नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के द्वारा कमाल की बल्लेबाजी की जा रही है। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया और भारतीय टीम इस मैच में बहुत ही अच्छी पकड़ बना चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड की टीम ने पीछा करते हुए 284 रन बनाए, यानी भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 132 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भी भारतीय द्वारा एक अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 45 ओवर खेलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना लिए। अब भारत के पास 257 रनों की बढ़त हो गई है। चेतेश्वर पुजारा ने 139 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों की सहायता से 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं, जबकि ऋषभ पंत ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की सहायता से 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं। इससे पहले विराट कोहली ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की सहायता से 20 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने 91 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की साझेदारी कर ली है। अब देखना होगा कि ये साझेदारी कितनी लंबी चल पाती है। भारतीय टीम 400 प्लस का स्कोर बनाने के बाद पारी को घोषित कर सकती है।